हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे नंबर 22 से। नंबर 21 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज सीखेंगे ये चार पॉइंट्स। तो मेरे हिसाब से ये चार पॉइंट्स जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, इस एमएस वर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्योंकि ऑफिशियली जब एमएस वर्ड यूज़ होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेटर टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। तो एक लेटर टाइप करके, टाइप तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसको कैसे डेकोरेट किया जाता है, वो डेकोरेट करने के लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। तो पहले दिखाते हैं कि यहाँ पे एक ऑलरेडी लेटर टाइप किया हुआ है। ये लेटर है, ऐसा टाइप तो हर कोई कर सकता है देख के। तो ये टाइप लेटर है, पर ये अगर प्रिंट होगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको जब प्रिंट करना होगा तो इससे पहले कुछ प्रिंट करने से पहले कुछ डेकोरेशन करना होगा। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी डेकोरेटेड फाइल है, जैसे वही लेटर हम यहाँ से यहाँ पर डेकोरेट करके रखी हूँ। तो ये थोड़ा सा छोटा करके दिखाती हूँ पेज। देखिए ये टोटल लेटर है, A4 साइज़ के पेपर में ऐसे डेकोरेट किया जाता है। तो कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो जब टाइप करेंगे तो टाइप करने का कुछ सिस्टम है, ठीक है। पहले तो वो दिखाता है कि टाइप कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक न्यू पेज ओपन करना होगा। यहाँ पे एक पेज है, हम टाइपिंग के लिए एक पेज ओपन करते हैं। तो उसके लिए फाइल में जाना होगा, फाइल में जाके न्यू कीजिए, या फिर कंट्रोल एन भी कर सकते हैं आप कीबोर्ड से। तो न्यू करने से एक ब्लैंक पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। फर्स्ट एड्रेस तो N2 करके एंटर। कोई भी पैराग्राफ शुरू होने से पहले एक टैब दे करके शुरू कीजिए। तो कीबोर्ड में जो है टैब की से कर्सर थोड़ा सा आगे चला जाएगा, फिर वहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू कीजिए। ठीक है, हम ऐसे ही टाइप कर रहे हैं कुछ भी। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जब तक आपका पैराग्राफ ख़त्म ना हो जाए तब तक आप इंटर मत कीजिए। पेज जब मार्जिन तक चला जाएगा ऑटोमेटिकली कर्सर नीचे आ जाएगा। अब पैराग्राफ ख़त्म होने तक आप टाइप करते जाइए। सपोज आपका यहाँ तक पैराग्राफ है, तो यहाँ तक टाइप करने के बाद फिर इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद अब सेकेंड पैराग्राफ जब शुरू होगा, अगेन एक टैब दे करके शुरू कीजिए, ठीक है। फिर से आप पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, ऐसे पैराग्राफ के अंदर बिल्कुल एंटर मत दबाइए। जितना भी सेंटेंस हो, जितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, आप टाइप करते जाइए, ऑटोमेटिकली कर्सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करते जाइए, अरे टाइप ऐसे करना है। तो ऐसे एक लेटर यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ये वाला लेटर देखिए। ये एड्रेस पहले लिखा हुआ है, इंटर करके फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ये सर पैराग्राफ शुरू है। फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे तीन पैराग्राफ है, ये है फर्स्ट पैराग्राफ, वन पैराग्राफ, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। फिर नीचे जो सेंटर है उसका एड्रेस, नेम एड्रेस है। ये लेटर है कि ऑफिशियल लेटर, इसको हम डेकोरेट करेंगे। फर्स्ट देखिए, अगर ये टाइप करने के बाद अब प्रिंट करें तो कैसा लगेगा, इसको थोड़ा सा छोटा करके देख लीजिए। टोटल पेज आ जाएगा, टोटल पेज का व्यू आ जाएगा। देखिए पेज है A4 साइज, इतना बड़ा पेज है। उनमें से यहाँ तक ये प्रिंट होने पर बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए इस राइटिंग को फुल पेज में सेट करना होगा, ठीक है। फिर से हम बड़ा कर देते हैं। फर्स्ट तो आप इसका साइज जो है 12 है, बहुत ही छोटा साइज है। टोटल लेटर को सिलेक्ट करके साइज थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब एड्रेस जो है, एड्रेस को आप बोल्ड कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट, ये वाला जो है सब्जेक्ट, ये मिडिल में है। देखिए वो जो डेकोरेटेड ऑलरेडी है वहाँ पर दिखाती हूँ, ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मिडिल में है। तो अब क्या करना होगा, मुझे इस सब्जेक्ट मिडिल में ले जाना होगा,
सब्जेक्ट का लाइन जो है सिलेक्ट करके, यहाँ पे अलाइनमेंट पैराग्राफ ग्रुप में है, ये सब अलाइनमेंट है। ये है लेफ्ट अलाइन का आइकॉन, ये है सेंटर अलाइन, ये है राइट अलाइन। अगर लेफ्ट फिलहाल लेफ्ट में है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही रहता है कोई भी सेंटेंस, उसको हम अगर सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना होगा तो सेंटर में चला जाएगा पेज का सेंटर में, और राइट क्लिक करेंगे तो राइट अलाइन यहाँ पर करेंगे तो राइट में चला जाएगा। तो इसको सब्जेक्ट को हम रखेंगे सेंटर में। अब सब्जेक्ट को अब अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे लेटर का बॉडी जो है सर से थैंक यू यहाँ तक टोटल पैराग्राफ्स सब सिलेक्ट कर लिए। अब इसको कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि देखिए पैराग्राफ जो है लाइन छोटा बड़ा ऐसे है साइड में, तो इसको एकदम साइड बराबर करना है। तो इसके लिए अब यहीं पर देखिए ये तीन अलाइनमेंट है, उसके साइड में और एक है, वह है जस्टिफाई। जस्टिफाई करना होगा पैराग्राफ्स को, तो जस्टिफाई करने से ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा, ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसका स्पेसिंग जो है बहुत एकदम सटा हुआ है, इसको थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ाना है, तो इसलिए अब पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तो इसके लिए पैराग्राफ के साइड में जो एरो है वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए। यह है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर भी अलाइनमेंट है जस्टिफाई जो हम किए आइकॉन से, यहाँ पर है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं जस्टिफाई। यहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट सब कुछ है, जस्टिफाई किया हुआ है। अब नीचे आ जाइए स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग है ये पैराग्राफ स्पेसिंग है, मतलब दो पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेसिंग रहेगा इसके लिए ये। तो बिफोर एंड आफ्टर मीन्स पैराग्राफ के ऊपर कितना होगा स्पेसिंग और नीचे कितना होगा, तो इसके स्पेसिंग को दे देना है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 12 पॉइंट, आफ्टर भी आप 12 पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पैराग्राफ स्पेसिंग, दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग होगा। अब लाइन स्पेसिंग, हर एक लाइन के बीच में कितना स्पेसिंग होगा। अब तो फिलहाल यहाँ पे सिंगल स्पेसिंग है, अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए 1.5 लाइंस, डबल लाइंस ऐसे कुछ स्पेसिंग है, तो 1.5 लाइंस ये तो बेटर रहेगा, तो इसमें क्लिक कीजिए थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ओके करना है, ओके करने से देखिए सब सेट हो गया, ठीक है, लाइन स्पेसिंग भी हो गया और पैराग्राफ के बीच में भी स्पेसिंग हो गया ऐसे। अब नीचे वाला जो एड्रेस है ये तीन लाइन सिलेक्ट कीजिए एक साथ, और टैब कीबोर्ड से टैब प्रेस कीजिए तो राइट साइड में चला जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए सिंसियरली यहाँ पर क्लिक कीजिए कर्सर को और स्पेस दे दीजिए तो मिडिल में चला जाएगा, इसको भी मिडिल में कर दीजिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे और ला सकते हैं, यहाँ जाके इंटर कर दीजिए थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब टोटल पेज को देखना है कैसे हो, नीचे और भी प्लेस है, अब एक काम कर सकते हैं यहाँ पे थैंकिंग यू के बाद एक इंटर और कर दीजिए तो नीचे सेट हो जाएगा, ऐसे एक लेटर को डेकोरेट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का जो पॉइंट था देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट, जिससे हम सब्जेक्ट को सेंटर में किए, उसको लेफ्ट भी कर सकते थे राइट भी कर सकते थे सेंटर में किए। और 23 नंबर पॉइंट है पैराग्राफ जस्टिफाई, इसका ये आइकॉन है ये वाला आइकॉन, जिस इसके ज़रिए हम पैराग्राफ को दोनों साइड बराबर किए। और ये है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग को किए लाइन के बीच में स्पेसिंग देने के लिए। और नंबर 25 है पैराग्राफ स्पेसिंग, दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग, ये चार पॉइंट यूज़ करके हम एक लेटर को ऐसे डेकोरेट किया, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।